रोटी से बना हुआ नाश्ता आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा, खासकर बच्चों को। इसे बनाने के लिए ना तो हमें स्टोव ऑन करना है, ना ही इसे हम फ्राई करेंगे, ना इसमें हम कुछ भी मसाले ऐड करेंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस के साथ सिर्फ 5 मिनट में इस बची हुई रोटी से हम ये टेस्टी सा नाश्ता तैयार करेंगे। आप ट्राई से ज़रूर से कीजिएगा। तो अक्सर हमारे घरों में क्या होता है कि रातों में 1 या 2 रोटी बची जाती है। कभी कभी अगर हमने बाहर खाना खा लिया तो ये सारी रोटी रह जाती है। तो कल हमारे साथ ऐसा ही कुछ हुआ, हमने बाहर खाना खा लिया था और ये सारी रोटी बच गई थी। तो इसे मैंने रात में फ्रिज में रख दिया था और सुबह उठ के मैंने इन सारी रोटियों का क्विक सा ब्रेकफास्ट तैयार किया है। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इन बची हुई रोटियों को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में मैश कर लेना है। तो इसे हम आसानी से मैश करने के लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सर का जार ले लिया है और इसमें हम रफली इस तरह से रोटी को तोड़ तोड़ के हम डाल लेंगे। आप चाहें तो रोटी को हाथ से भी छोटे छोटे टुकड़ों में मैश करके ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर हम इस प्रोसेस से करेंगे तो रोटी भी इवनली मैश होएगी और काम भी हमारा फटाफट से हो जाएगा। तो ये सारी रोटियां हमने तोड़ ली है, अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो 2 मिनट में इसे हमने ग्राइंड कर लिया है, तो आधा ज़्यादा प्रोसेस हमारा रेडी है और आप देख सकते हैं काफ़ी इवनली ये मैश हो गया है, ग्राइंड हो गया है। अब इसे हम क्या करेंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसे हमें निकाल लेना है बिल्कुल सूखे यानी ड्राई प्लेट में। फिर इसमें हम ऐड करेंगे घी। यहाँ पे हम देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम देसी घी डाल रहे हैं और 2 टेबल स्पून इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। शुगर वैसे अपने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। मैंने यहाँ पे रोटी की क्वांटिटी 4 रखी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऐड किया है। रोटी के हिसाब से आप यहाँ पे शुगर ऐड करें। तो ये सारी चीज़ें हमने ले ली है और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेना। तो स्पून नहीं, हाथों की मदद से इसे हमें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसमें मलाई भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मलाई ऐड नहीं की है, बस इन चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अपने पसंद के हिसाब के यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया हुआ है, काजू और थोड़े से बादाम लिए हुए हैं। इसके अलावा आप किशमिश, अखरोट, आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। और बस इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ये बस हमारा रेडी है सर्व करने के लिए। तो देखा ना, बिना मेहनत के, बिना तेल मसाले के हमारा क्विक सा ब्रेकफास्ट बन के रेडी है। और रात की बची हुई रोटी को ना तो हमें फेंकना पड़ा और ना ही ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ी। बहुत ही सिंपल सा और इजी सा हमारा ब्रेकफास्ट बन के रेडी हो गया। अच्छा, मैं इस क्विक और इजी ब्रेकफास्ट का मैं नाम बताती हूँ मलिदा। और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने अपने नानी या दादी के घरों में सुबह सुबह नाश्ते में इसे ज़रूरी खाया होगा, क्योंकि वहाँ जब भी रोटी बचती थी तो ये मलिदा ज़रूर बनता था। बहुत ही टेस्टी और बहुत लाइट होता है ये, तो इसे ज़रूर से आप ट्राई करें। और हाँ, किसने इसमें मलाई भी ऐड किया है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है और रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक और शेयर इसे ज़रूर से करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।